गाइज वेलकम टू गुडविल एजुकेशन दैट इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश। और आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों, इसके अंदर आज हम एक टॉपिक करने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट मी टेल यू, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक को करने से क्या होगा, आप लोग सेल्फ कंपोजिशन करने लग जाओगे। तो जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी ले रहे हैं क्लास, स्पेशली जिनकी कंपोजिशन ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो उनको कुछ ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना है जो बहुत ही ज़्यादा छोटी मिस्टेक्स हैं जो वो करते हैं। और जो बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जिनको ये लगता है कि यार ठीक है, जिनको ये लगता है कि मेरी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, तो उनके लिए तो ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है ही। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये जो आदित्य मित्तल एंड शिवम साहू, दे आर टू स्टूडेंट्स हु हैव कम राइट नाउ, आदित्य मित्तल एंड शिवम साहू, आप लोगों ने अपना यूनिक नेम मुझे प्रोवाइड करा है, शिवम एंड आदित्य मित्तल। मैं बिकॉज अगर आपने नहीं किया है तो आई वोंट अलाउ यू। जल्दी से बोलिए फास्ट। ओके, नो इश्यू। सो गाइस, द स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल। ओके, वेट अ मिनट। सो मैंने बताया आपको हाउ टू डू द कंपोजिशंस एंड दे आर पास कंपोजिशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास के अंदर मैं मेनली उसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखो, सबसे पहली चीज़ आप इस बात को समझो कि जब भी हम कोई कंपोजिशन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो या तो प्रेजेंट के अंदर होती है या पास्ट के अंदर होती है। और मैं आपको बता दूँ, जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लोग क्या नाम है, जिन्होंने मेरी जो ग्रामर वाली मैंने कुछ वीडियोस हैं वो नहीं भेजी हैं, लाइक आई थिंक बैच 4 या बैच 5 के अंदर अभी तक मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ। तो अगर उन लोगों ने वो ग्रामर वाली जो कुछ पार्ट्स मैंने भेजे थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो वो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखेंगे। आप मुझे अभी एक बार क्लास के बाद ना मुझे मैसेज करना है आप लोगों को, और क्या नाम है, मैं आपको वो लिंक्स जो है वो फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आप उन वीडियोस को भी देख लो। क्योंकि ये जो आज का टॉपिक मैं करा रहा हूँ, ये ज़्यादा बेनिफिशियल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो बाद में जो पहले ऑलरेडी उन वीडियोस को देख चुके हैं। लेकिन कोई नहीं, अगर आपने नहीं देखी है तो भी आपको समझ में आ जाएगा, देयर इज नो इशू। बट अगर आप उसको देख लोगे तो आपको और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से समझ में आएगा, आपको और अच्छे तरीके से कंपोजिशन की जो क्लियर बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। तो जो भी स्टूडेंट्स बाद में इसे YouTube पे देख रहे होंगे दोस्तों, तो वो भी मेक श्योर हमारी एक प्लेलिस्ट है प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर, एंड दैट इज व्हाट, हाउ टू रिड्यूस ग्रामेटिकल मिस्टेक्स व्हाइल राइटिंग। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँ हाउ टू परफॉर्म पास कंपोजिशन। देखो, सबसे पहले इस बात को समझो कि जब भी तुम राइटिंग स्किल्स कर रहे होते हो, जब भी तुम राइटिंग स्किल्स कर रहे होते हो तो वहां पे तुम क्या करते हो, जो भी ड्राफ्टिंग का वर्क करते हो, ठीक है, जैसे तुम आर्टिकल लिख रहे हो, डिबेट लिख रहे हो, वैसे तो टॉपिक्स कुछ कटे हुए हैं तुम्हारे, लेकिन स्टिल जो तुम्हारे सिलेबस में है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट है, नोटिस है, लेटर है, आर्टिकल है, स्पीच है, डिबेट है, ठीक है, रिपोर्ट है, कोई भी जो टॉपिक तुम कर रहे हो, तो वो आपका क्या होता है, कंपोजिशन होता है। और दोस्तों, मैं जब भी लिंक ड्रॉप करूंगा तो उसके 5 मिनट बाद के बाद से मैं एंट्री क्लोज कर दूंगा, तो मुझे या तो पहले से इन्फॉर्म करके रखना है ताकि मैं एक्सेप्ट करूं, बिकॉज हूएवर इज गोइंग टू एंटर आफ्टर दैट, आफ्टर दोज 5 मिनट्स, सो आई वॉन्ट अलाउ। तो कंपोजिशन क्या होता है, कोई भी ड्राफ्टिंग वर्क जो है हमारा राइटिंग सेक्शन का, दैट इज कंपोजिशन बेसिकली। ठीक है, अब इसमें लॉन्ग भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है, शॉर्ट विद इन 50 वर्ड्स होती है, जो लॉन्ग होती है वो 50 वर्ड्स से ऊपर की होती है। तो अब मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ, पास कंपोजिशन की बात कर रहा हूँ। अब पास कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ, कि मतलब ऐसी कोई कंपोजिशन, ऐसा कोई ड्राफ्टिंग वर्क राइटिंग सेक्शन का जिसमें हम पास्ट टेंस को यूज करते हैं, जिसके अंदर हम पास्ट के रूल्स को यूज करते हैं, वो हमारा पास्ट कंपोजिशन होगा। तो बताएगा कोई मुझे कौन सा है वो ड्राफ्टिंग वर्क? वेरी गुड, वेरी गुड, रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी रिपोर्ट राइटिंग जो है उसको करा चुका हूँ, उसके बारे में बता चुका हूँ। किसी किसी बच्चे को अगर नहीं कराई होगी, डोंट वरी, वो आपको रिकॉर्डेड सेशन के अंदर मिल जाएगी। जैसे जैसे हमारा सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है तो मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ बाकी के 3 डेज के अंदर, जो कि हमारे ट्यूजडे, थर्सडे और सैटरडे हैं, बैच 4 और बैच 5 के अंदर। तो रिपोर्ट राइटिंग में मैंने बताया था इवेंट रिपोर्ट होता है, एक्सीडेंट रिपोर्ट होता है, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि कोई भी चाहे मैं लिखूं, लेकिन मुझे जो लिखनी है वो पास्ट में लिखनी है। ऑब्वियसली बात है, देखो अगर मैं किसी भी चीज़ को रिपोर्ट कर रहा हूँ तो इट मीन्स कि समथिंग हैज हैपेंड, समथिंग हैज ऑलरेडी हैपेंड,
एंड नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दैट थिंग, दैट इज वॉट वी कॉल रिपोर्ट, कि कोई चीज जो है वो हो चुकी है, ठीक है, और मैं उसको क्या कर रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं, दैट इज वॉट रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आप ऑब्वियसली बात है, यहां पे हम कौन से रूल्स को यूज करेंगे, यहां पे हम पास्ट रूल्स को यूज करेंगे। अब जो हमारे पास्ट रूल्स होंगे वो कौन से होंगे वो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं इसके बारे में। देखो, जब भी आप पास्ट कंपोजिशन करते हो तो वहां पे सबसे ज्यादा जो रूल्स होती है, जो रूल यूज होता है ना आपका, है दैट इज पास्ट सिंपल। पास्ट रूल्स में द मेजॉरिटी ऑफ द रूल विच इज यूज्ड इज सिंपल पास्ट। ये वाली चीज मैंने आपको कराई है। हाँ, ऑब्वियसली मैंने कुछ वीडियोस आपको भेजी होंगी ग्रामर की, लेकिन अभी जो आज की हमारी क्लास है ना उसमें मैं रूल्स नहीं कराने वाला हूँ। यहाँ पे मैं कंपोजिशन करके दिखाने वाला हूँ। वी आर गोइंग टू डू सम प्रैक्टिस ऑफ दैट, ठीक है। क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि हमारी जो 4 बजे वाली क्लासेस है उसके अंदर हमें क्या करना है, अब ड्राफ्टिंग वर्क करना है, हमें प्रैक्टिस करना है। एवरी टाइम वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस। क्योंकि देखो, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कि when आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि भाई इसका ये फॉर्मेट है, ये ऐसे करना है, इसका ये रूल है, और दूसरा होता है कि उसे प्रैक्टिस में लेके आए। तो हम कंपोजिशन अब खुद लिखने वाले हैं और हर एक रूल को कैसे अप्लाई किया जाने वाला है वो चीज हम करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, स्टेबिलिटी वर्क करने वाले हैं कंपोजिशन का। तो डोंट वरी, मैं रूल यहाँ नहीं बताने वाला सारे के सारे, मैं यहाँ पे उसकी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। मेनली प्रैक्टिस जो होगी वो हम करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द मेजोरिटी ऑफ द रूल विच इज यूज्ड इज सिंपल पास्ट, ठीक है। कोई मुझे बताएगा सिंपल पास्ट का रूल क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज सिंपल पास्ट एंड द रूल ऑफ सिंपल पास्ट? डू यू नो? किसी को नहीं पता? वेरी गुड। ये जो एस और ई एस आप बोल रहे हो ना, वो सिंपल प्रेजेंट में आता है, वो सिंपल पास्ट में नहीं आता, ठीक है। वो सिंपल प्रेजेंट के अंदर आता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, अगेन मैं बता देता हूँ। जब भी आप कोई कंपोजिशन करते हो तो उसमें वर्ब का बहुत बड़ा एक रोल होता है, ठीक है। तो वर्ब क्या होती है, बेसिकली द एक्शन विच इज परफॉर्म, मतलब जिस एक्शन को परफॉर्म किया जा रहा है हम उसे वर्ब कहते हैं। अब इसके अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं, सेकेंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, थर्ड फॉर्म को हम पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, और जो फोर्थ फॉर्म होती है उसे हम प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कहते हैं। फोर्थ फॉर्म क्या होती है, जब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं, लाइक गो का गोइंग। तो यहाँ हम सेकेंड फॉर्म की बात कर रहे हैं। और आगे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। आई होप आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। सबको पता है सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एवरीवन नोज दैट, ठीक है। तो जब भी अगर किसी को नहीं पता, डोंट वरी, मैं बता देता हूं अभी, डोंट वरी, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता, देखो, जब भी कोई सेंटेंस में काम हो रहा है तो जो व्यक्ति उस काम को कर रहा है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अभी रिपोर्ट के पर्पज से ही बताता हूँ। जैसे मान लो मैं इवेंट रिपोर्ट लिख रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ एनुअल फंक्शन के बारे में कि मेरे स्कूल में एक एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, तो मैं कहूँगा कि भाई जिंदल पब्लिक स्कूल ने एक एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया। तो व्हाट इज वर्ब हियर? वर्ब इज ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज, कोई भी चीज ऑर्गेनाइज करना, दैट इज वर्ब, ठीक है। अब ऑर्गेनाइज किसने किया? ऑब्वियसली जिंदल पब्लिक स्कूल ने किया, तो सब्जेक्ट क्या होगा? जिंदल पब्लिक स्कूल। बाय, बिकॉज जिंदल पब्लिक स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट। तो वर्ब यहाँ पे क्या हो गया? ऑर्गेनाइज, और सब्जेक्ट क्या हो गया? जिंदल पब्लिक स्कूल। अब किया क्या? ऑर्गेनाइज एनुअल फंक्शन। तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट क्या हो गया? एनुअल फंक्शन। तो इस तरीके से अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे खुद ही समझ आ जाएगा। ओके, किसी को नहीं? हाँ बताइए। सारी रिपोर्ट्स पास्ट में ही लिखी जाती हैं, चाहे वो इवेंट रिपोर्ट हो, चाहे वो एक्सीडेंट रिपोर्ट हो, चाहे इंसिडेंट रिपोर्ट हो, सारी की सारी रिपोर्ट। देखो, दो तरीके की रिपोर्ट होती है। यहाँ पे हम उस रिपोर्ट की बात नहीं कर रहे जो हम ऑफिस में कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं किसी भी एक प्लान को लेके या उसको लेके, मैं उस रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे जो रिपोर्ट का मतलब है वो मतलब है कि भाई कोई चीज, कोई प्रोग्राम है, कोई इवेंट है, एक्सीडेंट है, कोई इंसिडेंट है जो हुआ है, और हमें उसे रिपोर्ट करना है कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, उसके बारे में हमें एक पूरा ब्रीफ सीक्वेंस तैयार करना है कि उसका जो सीक्वेंस था, जितने भी इवेंट्स हुए हैं, जितने भी उसके अंदर चीजें हुई हैं, उनका क्या सीक्वेंस है और कैसे कैसे हुआ सब कुछ। तो दैट इज व्हाट वी कॉल रिपोर्ट राइटिंग हेयर इन क्लास 12, ठीक है। ओके, किसी को नेगेटिव रूल पता है? व्हाट इज नेगेटिव रूल? ना, वर्ब
की फर्स्ट फॉर्म भी आती है। चलो अब मैं बताता हूँ कैसे। आप में से कोई मुझे बताएगा कि डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म क्यों आ गई? बताओ, कोई बताना चाहता है व्हाई इट हैपेंड? क्योंकि ऊपर सेकंड फॉर्म आ रही है, लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि मैंने फर्स्ट फॉर्म लगा दी है। देखो ये मैं बेसिक से, हाँ बताओ। वेरी गुड। और समवन एल्स वाज स्पीकिंग? चलिए मैं बता देता हूँ वाई, बिकॉज ये हमारा यूनिवर्सल रूल है कि सेकेंड फॉर्म इज हेयर, ठीक है। और यहाँ डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, लेकिन डिड जो होता है वो डू की सेकेंड फॉर्म होती है, तो हमने डिड यहाँ लगा दिया। तो दैट इज द रीजन हम आगे वाली जो फॉर्म है उसको फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज करेंगे, क्योंकि ये जो सेकेंड फॉर्म वाली चीज है वो यहाँ अप्लाई हो गई डिड के अंदर। तो अल्टीमेटली जो हमारी नेक्स्ट वर्ब आएगी अब वो फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। ये चीज हमारी हुई है। अब ये वाला रूल सबसे ज्यादा यूज होगा, इस चीज को ध्यान रखना, ये वाला रूल सबसे ज्यादा यूज होगा, मेजोरिटी है ये, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज बता दूं, बिगिनिंग बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्ट इज डन विद पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। जो हमारी बिगिनिंग है रिपोर्ट की, मतलब जो स्टार्टिंग है रिपोर्ट की, देखो मैं यहाँ पे बेसिकली एक रिपोर्ट की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, तुम ये मत समझना कि ये रिपोर्ट का टॉपिक हम कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पास्ट कंपोजिशन की। अब देखो ये पास्ट कंपोजिशन का मतलब समझो क्या है, ऐसा नहीं है कि ये रिपोर्ट में यूज होगा। बताओ कोई ऐसा मुझे राइटिंग सेक्शन का टॉपिक बताओ रिपोर्ट के अलावा जिसके अंदर हम पास्ट के रूल्स को यूज कर सकते हैं, बताओ। विल समवन एक्सप्लेन मी? लेकिन स्टोरी राइटिंग आपके सिलेबस में नहीं है ना, सिलेबस में आपके है जहां पे मैं पास्ट के रूल्स को यूज कर सकता हूँ। आर्टिकल में कैसे बताओ? वेरी गुड। कुछ पोर्शन में, जब फॉर एग्जाम्पल मैं चाइल्ड लेबर के ऊपर आर्टिकल लिख रहा हूँ, मैं पॉल्यूशन के ऊपर आर्टिकल लिख रहा हूँ, और वहां मैं कोई सर्वे बता रहा हूँ कि एक सर्वे किया गया पास्ट में किया गया ना, तो ऑब्वियसली बात है कोई भी अगर ऐसी कंपोजिशन होगी जो आइडियाज के ऊपर बेस्ड है, जैसे आर्टिकल है, स्पीच है, डिबेट है, ये सारे आइडियाज पे बेस्ड होते हैं, तो मेजोरिटी ऑफ द पार्ट इज रिटन इन प्रेजेंट। बट ऑब्वियसली जब मैं वहां कोई एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई पास्ट का एक सर्वे बता रहा हूँ, या मैं कोई एक्सपीरियंस किसी चीज का बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ईव टीजिंग की बात कर रहा हूँ, और वहां पे मैं ईव टीजिंग मतलब लड़कियों को छेड़ना और जितनी भी लॉ एंड ऑर्डर को डिसबैलेंस किया जाता है, जो एक्टिविटीज होती हैं गलत उसकी बात हो रही है लड़कियों के साथ स्पेशली, ठीक है, ईव टीजिंग में। अब वहां मैं कोई एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, निर्भया केस का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या रिसेंटली जो काठुआ में केस हुआ था उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या अभी अभी जो एक केस हुआ है उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एंड दैट व्हाट व्हाट वाज दैट केस, व्हाट वाज द नेम ऑफ द गर्ल व्हिच हैपेंड रिसेंटली इन हाथरस, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम। तो अगर मैं इन सब का एग्जाम्पल दे रहा हूँ उस टाइम पे, ऑब्वियसली बात है एक्सपीरियंस को मेंशन करते हुए मैं पास्ट के रूल्स को यूज करूंगा कि भाई मैं फॉर एग्जाम्पल ईव टीजिंग की बात कर रहा हूँ, या मैं विमेन सेफ्टी की बात कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि नाउ अडेज इन अ कंट्री द गर्ल्स आर नॉट सेफ। वाई? बिकॉज सम हाउ दे आर मेल ट्रीटेड, दे आर नॉट सेफ बिकॉज दे आर फॉलोड, दे आर मोलेस्टेड, दे आर स्टेयर्ड, एंड रिसेंटली वी टॉक अबाउट वन ऑफ सच केसेस, सो दैट हैपेंड, दैट हैपेंड इसका मतलब सिंपल पास्ट में जा रहा है, दैट हैपेंड इन हाथरस व्हेन अ गर्ल वॉज, यहाँ वॉज आ गया, इसका मतलब मैं पास्ट को यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम किसी एक एक्सपीरियंस, किसी एक घटना के बारे में बता रहे हैं उसी आर्टिकल के अंदर, तो हम पास्ट को भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल मैं लेटर टू एडिटर लिख रहा हूँ, तो लेटर टू एडिटर के अंदर भी क्या होता है, मैं कोई एक्सपीरियंस या एग्जाम्पल बता सकता हूँ, कोई पीछे का सर्वे भी बता सकता हूँ कि भाई इस साल में ये चीज मेजर की गई थी, तो ऑब्वियसली पास्ट में जाएगा वो सेंटेंस। तो ऐसा नहीं है कि पास्ट कंपोजिशन के लिए अगर मैं तुम्हें रूल्स बता रहा हूँ या प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो वो सिर्फ रिपोर्ट के लिए है, वो दूसरी चीजों में भी यूज हो सकती है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। जैसे लेटर टू एडिटर को और इफेक्टिव बनाने के लिए हम किसी भी इंसिडेंट को मेंशन कर सकते हैं अपने लेटर के अंदर, स्पेशली अगर हम किसी प्रॉब्लम के ऊपर लिख रहे हैं, समझ में आया, ठीक है, ऐसी आर्टिकल में हम लिख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे जो राइटिंग स्किल्स हैं वो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। अब मैंने क्या बताया कि जब भी तुम रिपोर्ट लिख रहे हो या जब भी आप एक एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो, किसी भी एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो और आप स्टार्टिंग कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो रिपोर्ट हो, चाहे आर्टिकल के अंदर एक्सपीरियंस आप लिख रहे हो या लेटर टू एडिटर में लिख रहे हो, तो उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो पास्ट परफेक्ट टेंस से होती है। कोई बताएगा पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है? डू यू नो? No one knows. और कोई बताना चाहता है?
लिखा दोनों का गलत है। चल कोई, सब्जेक्ट प्लस हैड, ये जो आपने बताया ना सब्जेक्ट प्लस हैज ए प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट का रूल है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड आता है, तो दैट इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एंड इन नेगेटिव केस क्या होगा, हैड के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। इन नेगेटिव केस व्हाट विल हैपन, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन व्हाट इज दैट, दैट इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव रूल हो गया और ये नेगेटिव। मैंने क्या बताया अभी आपको कि जब भी आप रिपोर्ट की स्टार्टिंग कर रहे हो स्पेशली, या फिर किसी एक्सपीरियंस को आप लिख रहे हो किसी भी कंपोजिशन के अंदर जो पास्ट में जा रहा है, तो उसकी जो बिगनिंग होगी वो पास्ट परफेक्ट के साथ होगी। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि उसकी जो बिगनिंग होगी वो पास्ट परफेक्ट के साथ होगी। ठीक है, ओके। मनी, यस मनीषा, यू हैव एंटर्ड द क्लास नाउ, सो यू आर फ्रॉम विच बैच, विल यू प्लीज टेल मी। ओके, तो चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ, डोंट वरी। पास्ट परफेक्ट का इंटरोगेटिव, देखो जब भी तुम इंटरोगेटिव बना रहे होते हो ना कोई भी सेंटेंस, जो माइक है वो ऑफ कर दो जिसका अननेसेसरी है। ओके, जब भी तुम बना रहे होते हो सेंटेंस, तो इंटरोगेटिव में व्हेन द रूल इन इन द रूल इफ वी हैव हेल्पिंग वर्ब, तो इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। वैसे उसकी जरूरत नहीं था कंपोजिशन के अंदर, लेकिन स्टिल मैं बता रहा हूँ, हैड को आप आगे ले आओगे तो इट विल बिकम हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और दूसरा इंटरोगेटिव जो होता है वो डब्ल्यू एच से फॉर्म होता है, लाइक व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हिच, हाउ, तो उसमें क्या होता है, डब्ल्यू एच प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जब हम ग्रामर करेंगे ना अच्छे तरीके से आगे जाके, जब भी हमारा कोई नया बैच स्टार्ट होगा उसके लिए, तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी ग्रामर के अंदर। अभी मैं राइटिंग कंपोजिशन के हिसाब से बता रहा हूँ खाली, कि भाई राइटिंग कंपोजिशन में सबसे ज्यादा क्या यूज होगा, कैसे होगा, अब मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, लेट मी टेल यू। ओके, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू मस्ट एंटर द क्लास ओनली यू नो एट अ पर्टिकुलर टाइम when you know I have dropped the link and after 5 minutes you must enter। ठीक है, और मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि ऐसी कुछ एक्टिविटीज हैं, जैसे मैंने अभी एक रिसेंटली कम्युनिटी पोस्ट भी किया था, और इवन क्लास ये जो हो रही है इसके अंदर पहले हुआ है बट कुछ टाइम से नहीं हुआ है। मैंने ये चीज नोटिस किया है कि जो हमारे अभी तो 5 बैच मैंने बना दिए हैं, लेकिन 3 जो बैच है हमारे, जो शुरू के 3 बैचेस मैंने बनाए हैं, बैच 1, बैच 2 और बैच 3, तो जब वो चीज हुई थी तो उस टाइम पे बैच 3 तक ही मैंने क्रिएट किया था। क्लास में जब कोई एक इशू हुआ था और एक अननेसेसरी पर्सन आया था क्लास के अंदर गूगल मीट पे, और ही अब्यूज्ड और समथिंग लाइक दैट, इट हैपेंड, पहले हुई थी आई थिंक, किसी को ना पता हो यहाँ पे, लेकिन मैंने उन 3 ग्रुप्स के अंदर ही वो जो लिंक है वो ड्रॉप किया था कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं वहीं से वो शेयर होके किसी अननेसेसरी पर्सन पे गया, या फिर जो पर्सन जो ऑलरेडी प्राइवेट ग्रुप है, ग्रुप में है, उस पे गया और उसने ऐसा किया। समझ में आ रहा है? तो उस वक्त मैंने क्या करा था, मैंने यूनिक नेम नहीं लिए थे और बहुत सारे प्रिकॉशंस नहीं लिए थे, बहुत सारी चीजें थी, मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा यार, कोई इस हद तक भी जाता है और ये सब, मुझे नहीं लगा था। ठीक है, तो इतना तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि यार अगर प्राइवेट बैच के 3 ग्रुप्स जो है उस टाइम पे मैं वहां लिंक ड्रॉप कर रहा हूँ, अगर मान लो चलो 3 भी नहीं 4 मान लेते हैं मैक्सिमम, क्योंकि 5 तो अभी रिसेंटली, 5वां तो मैंने रिसेंटली क्रिएट किया है। ठीक है, तो 4 बैच मतलब पूरे यूट्यूब पे मेरे सारे सब्सक्राइबर्स में से किसी को ढूंढना, और 4 बैच जो है उन 4 बैच में से किसी ऐसे एक स्टूडेंट को ढूंढना, ये बहुत आसान है, इट इज सम हाउ वेरी वेरी इजी। तो मैं यहाँ पे एक चीज छोड़ रहा हूँ, एक मैसेज छोड़ रहा हूँ ऐसे पर्सन के लिए कि अगर कोई ऐसा कर रहा है ना, तो आने वाले टाइम में उसके साथ बड़ी दिक्कत का सामना उसको करना पड़ेगा, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टेकन सम स्टेप्स एंड दे आर वेरी मेजर स्टेप्स। ओके, एंड ऐसा होगा तो मैं सबको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि वो 5 मिनट में ही एंटर करा करें क्लास को। ठीक है, ओके, तो 5 मिनट में अगर कोई नहीं कर पाता है एंटर, डोंट वरी, आप मुझे पहले से बता दो कि सर मेरी कोई क्लास होती है तो मैं इस टाइम पे करूंगा, तो नो इशू। हाँ, तो वो आप मुझे पहले से मैसेज में ड्रॉप करके बता देना कि सर मेरा ये टाइम होता है, मैं इस टाइम तक एंटर करूंगा और इस नाम से करूंगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
ठीक है, जैसे कई सारे लोगों ने यूनिक नेम नहीं दिए हैं अभी भी, तो प्लीज आप में से कोई भी अगर है जिसने अभी ड्रॉप नहीं किया था मैसेज, वो मुझे ड्रॉप कर देना क्लास के बाद, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे मुझे रिपोर्ट लिखनी है एनुअल फंक्शन पे, अभी इजी टॉपिक लेके समझाता हूँ मैं आपको पहले। मान लो मुझे एनुअल फंक्शन पे रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है, और मुझे पहली लाइन लिखनी है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो बिगिनिंग होगी वो किससे होगी भाई, पास्ट परफेक्ट से होगी, बिगिनिंग पास्ट परफेक्ट से होगी, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। आगे पास्ट परफेक्ट कब यूज होगा वो भी मैं बताऊंगा। मान लो जिंदल पब्लिक स्कूल के बारे में लिख रहा हूं मैं, कि जिंदल पब्लिक स्कूल हैड ऑर्गेनाइज्ड एन एनुअल फंक्शन, ठीक है, ऑन 1 सितंबर 2020 एट SRKBS ऑडिटोरियम, ठीक है। तो ये चीज यहां पे आ गई, ठीक है। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो पहला जो बिगनिंग लाइन था मैंने बोला परफेक्ट के साथ यूज करना है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव ये हो गया, ठीक है। तो ये रूल ही फॉलो हुआ हमारा, सब्जेक्ट इज व्हाट, जिंदल पब्लिक स्कूल हैड ऑर्गेनाइज वर्ब की थर्ड फॉर्म, व्हाट एनुअल फंक्शन, और डेट, कभी भी टाइम और डेट अगर कभी भी आता है तो वो ऑब्जेक्ट के बाद आता है, जब भी टाइम और डेट आता है तो वो ऑब्जेक्ट के बाद आता है। और ऐसा नहीं है कि ये जो हमारा रूल है इस रूल के अंदर यही चार चीजें आती है, इसके बीच में भी और चीजें आ सकती हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये नाउन हो सकता है, तो नाउन से पहले हम डिटरमिनर्स को यूज कर सकते हैं, उसमें आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है, जैसे मैनी मच मोर, ये सब क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स होते हैं, या हम एडजेक्टिव भी कह सकते हैं इनको, क्वांटिफायर भी कह सकते हैं। तो इसके अलावा प्रेपोजिशंस बीच में आ सकती हैं, एडवर्ब्स आ सकते हैं, तो बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन ये चार जो वर्ड मैंने लिखवाए हैं ये सबसे मेन है, ठीक है, ये सबसे मेन है। धीरे धीरे आप सीख जाओगे, जब प्रैक्टिस करोगे ना तो कुछ समझ में आने लग जाएगा। तो ये हो गया पहला। अब इससे आगे जब भी तुम कोई रूल फॉर्म कर रहे हो, जब इससे आगे तुम जा रहे हो, तो वहां पे तुम मेनली कौन सा रूल यूज करोगे, सिंपल पास्ट, ठीक है, कौन सा, सिंपल पास्ट, ये वाला। अगर नेगेटिव यूज करोगे, हाँ बताइए, देखो आपका क्वेश्चन ये है कि सर पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो क्या डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होगा। तो यार सबसे पहली चीज मैं समझा दूं कि पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में ना बहुत ही कम डिफरेंसेस हैं, बहुत ही कम डिफरेंसेस हैं, माइनर डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे हैज़ भी यूज कर सकता हूँ और वो सेंस वाइज बिल्कुल ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है कि किसी चीज की श्योरिटी होती है कि ये ठीक होगा ही होगा, और एक का होता है कि उस चीज की प्रोबेबिलिटी होती है कि वो ठीक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि भाई मैंने पानी पी लिया है, तो आई हैव ड्रंक वाटर, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। और उसी जगह मैं बोलूं आई हैड ड्रंक वाटर, इट मींस मैंने पानी पी लिया था, तो ऑब्वियसली प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो मेरे नियर बाय एक्शन है, मतलब बहुत रिसेंटली हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट जो है वो रिसेंट एक्शन नहीं है कोई भी, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में भी कहीं ना कहीं पास्ट का सेंस होता है, क्योंकि जो काम मैंने ऑलरेडी कर लिया है वो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो इसीलिए बच्चे जो होते हैं वो सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के बीच में, और प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के बीच में कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन वो तब कंफ्यूज होते हैं जब इट कम्स टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, इट कम्स टू यू नो जनरल इंग्लिश, जहां पे कॉम्पिटिशन में हमारी इंग्लिश आने वाली है, तो वहां पे एक्यूरेसी चाहिए। लेकिन कंपोजिशन में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई भी टेंशन नहीं है, बस ये है कि हाँ अगर तुमने प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर दिया तो प्रोबेबिलिटी है कि वो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, ये टीचर पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर तुमने पास्ट परफेक्ट को यूज किया तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि भाई किसी भी केस के अंदर हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। तो ये रीजन है कि हम क्या कर रहे हैं, कंपोजिशन कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, पास्ट परफेक्ट यूज करना है। रही बात प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट के डिफरेंस की, तो ग्रामर के हम रूल्स करेंगे जब, और कुछ करेंगे कोई ऐसी सीरीज लेके आएंगे, तो उसमें आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगी ये चीज कि बेसिक डिफरेंसेस क्या है। देखो हाँ मैं बता देता हूं, मैं बता देता हूं, जैसे मैंने बोला कि जैसे मैंने यहां बोला कि जिंदल पब्लिक स्कूल ने एनुअल फंक्शन 1 सितंबर 2020 KVS ऑडिटोरियम में ऑर्गेनाइज किया है, अगर इस तरीके से बोले तो वहां हैज या हैव में से आएगा, डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट कि भाई सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके हिसाब से हैज या हैव आ जाएगा। और अगर मैं बोलूं कि जिंदल पब्लिक स्कूल ने एनुअल फंक्शन 1 सितंबर 2020 को ऑर्गेनाइज किया था, मैं इस सेंस में बोलूं, तो वहां पे क्या आएगा, हैड आएगा।
ठीक है, और उससे आगे हमारा सिंपल पास्ट का रूल फॉलो होगा। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। ठीक है, चलो आगे करते हैं, थोड़ा सा आगे करते हैं, लेकिन इस चीज का ये ध्यान रखना कि ये जो दोनों मैंने रूल यहाँ पे लिखवाए हैं ना, सिंपल पास्ट और ये क्या नाम है आपका प्रेजेंट, सॉरी पास्ट परफेक्ट, ये दोनों के दोनों हमारे तभी यूज होंगे जब हम बात कर रहे हैं बेसिकली एक्शन की। एक्शन मतलब हम किसी एक ऐसे सेंटेंस को कंपोज कर रहे हैं और ऐसे सेंटेंस को यूज कर रहे हैं जहां वर्ब एग्जिस्ट करती है। जब वर्ब एग्जिस्ट करेगी तो ही ये पॉसिबल है। अगर वर्ब एग्जिस्ट नहीं करेगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लाइन लिखनी है कि जो एनुअल फंक्शन था वो बहुत ही अमेजिंग था, ठीक है, मैंने बोला इट वॉज एन अमेजिंग इवेंट, तो भाई यहाँ पे मैं उन दोनों रूल में से कोई थोड़ी यूज करूंगा। इट वॉज एन अमेजिंग इवेंट, ये एक्चुअली पास्ट नॉन एक्शन का रूल है। और शुरू में ही मैं बता चुका हूँ कि शुरू की दो तीन वीडियो है सीरीज की जो मैं ऑलरेडी बैच 1, 2, 3 में तो भेज चुका हूँ, बैच 4, 5 में शायद मैंने भेजी है, नहीं भेजी, बैच 4 का कंफर्म नहीं है, बैच 5 में तो ऑब्वियसली मैंने नहीं भेजी है। तो आप मुझे अभी मैसेज कर देना, ठीक है, मैं वो वीडियोस अलग से आपको भेज दूंगा, वो सीरीज अलग से प्लेलिस्ट जो है वो भेज दूंगा, तो आप एक बार फर्स्ट सेकंड थर्ड देख लोगे तो आपको बाकी के रूल्स के बारे में भी पता चल जाएगा। अगेन अगर कोई बच्चा यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहा है दोस्तों, बाद में मैं इसे जब अपलोड करूंगा तो आपको क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि आपको वो शुरू के जो पार्ट्स हैं, जो इस प्लेलिस्ट के शुरू के जो पार्ट्स हैं वो जरूर देखने हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे इट वॉज एन अमेजिंग इवेंट, ये पास्ट नॉन एक्शन का रूल है। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट नॉन एक्शन है। ठीक है, इट वॉज एन अमेजिंग इवेंट, लेकिन मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा, मैं मेनली बात कर रहा हूँ सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट की। ठीक है, अब आगे मुझे कहना है, मुझे कहना है भाई यहाँ पे कि अराउंड 500 स्टूडेंट्स ने, 500 तो कुछ ज्यादा ही हो गए, अराउंड 300 स्टूडेंट्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, अराउंड 300 स्टूडेंट्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। अगर मुझे ये लाइन बतानी है तो मैं क्या करूंगा, बताइए क्या लिखूंगा, अराउंड 200 स्टूडेंट्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, सिंपल पास्ट का रूल लगाना है, टेल मी द आंसर, 1st। देखो जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूं बताया करो, ये मत सोचा करो गलत होगा या सही होगा। हाँ देखो अब यही गलती गई मैंने, आप देखो ये दोनों रूल जो ऊपर लिखवाए हैं इनमें कहीं पे भी वॉज यूज किया है, कहीं नहीं किया। पहले वाले में सिंपल पास्ट में देखो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म डायरेक्टली आ रही है, लेकिन ये हमारी आदत होती है, जो हमारी हैबिट एक बन चुकी है कि हम गलती को दोहराते हैं। ऐसा रीजन क्या है, क्योंकि हम शुरू से उस वॉज वर्ब को यूज करके आ रहे हैं सेंटेंसेस के अंदर, तो हमारी एक हैबिट बन रखी है, समझ में आया। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म आएगी डायरेक्टली, तो आपको ये डायरेक्टली बोलना है, वॉज वर्ब नहीं आएगा, अराउंड 200 स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड, सेकंड फॉर्म आएगी डायरेक्टली इन द इवेंट, समझ में आया, क्लियर, ओके। इसी तरीके से मुझे आगे बोलना है, मान लो इन द इवेंट अलोंग देयर टीचर्स, ठीक है, अलोंग देयर टीचर्स, टीचर्स ने भी किया, ओके। नाउ आई हैव वन मोर सेंटेंस एंड दैट इज, जो उस इवेंट पे चीफ गेस्ट थे वो थे मिस्टर अरविंद केजरीवाल, ओके, इफ आई से उस ओकेशन पे जो चीफ गेस्ट थे ही वॉज, और ये मैं खुद इंग्लिश बोल रहा हूँ, मिस्टर अरविंद केजरीवाल थे, तो यहाँ पास्ट नॉन एक्शन यूज हो रहा है, मिस्टर अरविंद केजरीवाल इज सब्जेक्ट हियर, अरविंद केजरीवाल वॉज। अब देखो एक और चीज मैं बता देता हूँ यहाँ पे, कई सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर मैं जब ये लिख रहा हूँ मिस्टर अरविंद केजरीवाल, तो शुड आई राइट मिस्टर अरविंद केजरीवाल वर द चीफ गेस्ट ऑन द ओकेशन, वाई, बिकॉज आई एम शोइंग रिस्पेक्ट टू हिम। कई बार बच्चे ऐसा सोचते हैं, तो मैं इस डाउट को क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे मिस्टर अरविंद केजरीवाल इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, इज अ सिंगुलर नाउन, तो ऑब्वियसली हम वॉज ही यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हम कई बार लिखते हैं द चीफ गेस्ट ऑन द ओकेशन वर, तो वहां पे अगर गेस्ट मतलब दो हैं, गेस्ट आ रहा है, प्लूरल आ रहा है गेस्ट, तो वर लगाना है, अदरवाइज द चीफ गेस्ट ऑन द ओकेशन वॉज ही आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि रिस्पेक्ट देने के लिए आपने वहां वर लगाया है, क्योंकि वो ग्रामेटिकली वहां पे गलत हो जाएगा आपका कंपोजिशन में। तो मिस्टर केजरीवाल वॉज द चीफ गेस्ट ऑन द ओकेशन, ठीक है, ओके। चलो एक और मैं बताता हूं, हाँ अगेन मैं बता देता हूं, मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये एक्शन के रूल है, एक्शन का मतलब यहां पे वर्ब आ रही है, तो मैंने क्या बोला कि चीफ गेस्ट उस फंक्शन में कौन थे, अरविंद केजरीवाल, तो यहां पे वर्ब कहां आ रही है सेंटेंस के अंदर, टेल मी,
सब्जेक्ट मिस्टर अरविंद केजरीवाल, वॉज इज हेल्पिंग वर्ब, और ऑब्जेक्ट इज द चीफ गेस्ट ऑन द ओकेशन। यहां वर्ब आई नहीं रही। अगर मैं बोलता कि मिस्टर अरविंद केजरीवाल उस ओकेशन के चीफ गेस्ट बने, ओके ही बिकेम द चीफ गेस्ट, तो ऑब्वियसली मैं बिकेम यूज करता, सेकंड फॉर्म वर्ब की यूज करता, तो मैं यहां लिख देता कि मिस्टर अरविंद केजरीवाल बिकेम द चीफ गेस्ट ऑन द ओकेशन। लेकिन मैं यहाँ पे पास्ट नॉन एक्शन का रूल यूज कर रहा हूँ। देखो हर एक जगह सिंपल पास्ट का रूल यूज नहीं होगा, कुछ जगहों पे दूसरे रूल्स यूज होंगे, और उसके लिए मैंने शुरू की 2-3 वीडियो बना रखी हैं, उसमें आपको रूल के बारे में पता चल जाएगा। मैं रूल यहाँ पे सारे नहीं कराना चाहता, क्योंकि उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो एक बना रखी है, वो आप देख लेना, ठीक है, अलग से। अब इससे आगे देखो, अगर मैंने बोला ही अगर वो मैंने बोला वो स्टेज पे आए, वह स्टेज पे आए, ओके टेल मी व्हाट विल बी द सेंटेंस। वेरी गुड, ही केम ऑन स्टेज। अब देखो कई सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि यार बड़ा सिंपल सा जा रहा है सब कुछ, बड़ा सिंपल सिंपल सा लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है ना। अब इस बात को समझो, जब भी हम कोई घर बनाते हैं तो डायरेक्टली हम बिरला पुट्टी नहीं लगाने लग जाते, पहले हमें एक स्ट्रक्चर तैयार करना होता है, ठीक है। पहले हमें ईंटें लगानी पड़ती हैं, फिर ईंटें लगाने के बाद हमें पलस्तर करना होता है, फिर पलस्तर करने के बाद हमें प्राइमर मारना होता है, फिर उसके बाद हमारी बिरला वाइट वाइट पुट्टी होती है, फिर उसके बाद हमारा रॉयल पेंट होता है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो द थिंग इज, अभी हम स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, अब मैं स्ट्रक्चर के अंदर चार चांद लगाने के लिए बताता हूँ क्या कर सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा, जिंदल पब्लिक स्कूल हैड ऑर्गेनाइज्ड एन एनुअल फंक्शन ऑन 1 सितंबर 2020। टेल मी, अगर मुझे इस सेंटेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, तो मैं इसी लाइन का सेम मीनिंग रख के क्या लिख सकता हूँ। टेल मी फास्ट, पता है किसी को? वेरी गुड, यहां देखो, ये देखो आ गया ना, जिंदल पब्लिक स्कूल हैड ऑर्गेनाइज्ड एन अमेजिंग एनुअल फंक्शन। अब यहां अमेजिंग क्या है पता है? अमेजिंग क्या है पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर, बताओ बताओ बताओ। एनुअल फंक्शन तो नाउन हो गया, एनुअल फंक्शन तो नाउन हो गया, अमेजिंग क्या है? यहां पे हम कहीं ना कहीं वीक है ना। अमेजिंग एडजेक्टिव है, क्या है ये? एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी नाउन की क्वालिटी को शो करता है। तो अब इससे क्या हुआ, थोड़ा सा अलग साउंड हो रहा है ना, जिंदल पब्लिक स्कूल हैड ऑर्गेनाइज्ड एन अमेजिंग एनुअल फंक्शन ऑन दिस डेट है। अब ऑर्गेनाइज की जगह बताओ, कोई सब्स्टिट्यूट वर्ड बताओ, कोई सिनोनिम बताओ ऑर्गेनाइज की जगह, बताओ बताओ फास्ट। है पोस्टेड, अच्छा और कोई? कंडक्टेड, वेरी गुड, और खत्म हो गई हमारी वोकैबुलरी सर। है एट सेलिब्रेटेड, उसी जगह पे जब तुम ऑर्गेनाइज जो वर्ड है ना उसका भी गूगल पे लिखोगे तो क्या होगा, तुम्हारे को वहां पे 15 से 20 सिनोनिम्स मिल जाएंगे, और तुम फिर वहां चूज कर सकते हो यार कौन सा मस्त लग रहा है दिखने में, कौन सा सुंदर लग रहा है, पहले तो उसको यूज करूं मैं। अब तुम कहोगे कि सर इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा यार, जब चेकर पढ़ रहा होगा ना उससे तुम्हें सिलेक्शन ऑफ वर्ड जब दिखाई देगा कि इस बंदे ने कैसे कैसे वर्ड यूज करे हैं, उसका मन करेगा कि वो फ्रेम करवा ले तुम्हारे उस आंसर को, ठीक है। मैं जब किया करता था एट दैट टाइम व्हेन आई वाज इन 12th क्लास, तो मेरा क्या काम होता था, मैं तुम्हें खुद बता देता हूँ अपना तरीका क्या था, कि पहले सिंपल वर्ड्स में मैं सारा का सारा तैयार करता था, और सिंपल वर्ड में सारा तैयार करने के बाद जो भी मुझे ऑर्डनरी ऑर्डनरी वर्ड्स लगते थे ना उन सबका मैं क्या करता था, गूगल पे, उस टाइम यार इंटरनेट, हाँ फोन नहीं था मेरे पे, सॉरी, डिक्शनरी के अंदर, मैं डिक्शनरी के अंदर फाइंड आउट किया करता था कि भाई इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं, और फिर मैं पूरे के पूरे वर्ड्स को रिप्लेस कर दिया करता था और फिर से उसको लिखा करता था। फिर मैं क्या करता था, अच्छे अच्छे एडजेक्टिव्स ढूंढा करता था, और जहां जहां मुझे नाउन लग रहा है, जैसे कोई नेगेटिव नाउन है, कोई नेगेटिव वर्ड है, ऑब्वियसली अगर कोई नेगेटिव वर्ड है तो उसके लिए मेरे को नेगेटिव एडजेक्टिव्स मिल जाते थे, पॉजिटिव वर्ड है तो उसके लिए अलग मिल जाते थे, कोई न्यूट्रल वर्ड है जो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, जैसे प्रॉब्लम एक नेगेटिव वर्ड है तो उसके लिए मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिव एडजेक्टिव मिल जाएगा। ऐसे ही मेरे को अगर कोई पॉजिटिव नाउन के साथ एडजेक्टिव लगाना है तो मुझे कुछ अच्छे एडजेक्टिव मिल जाते थे जो उसकी गुडनेस को रिप्रेजेंट करते थे, फिर मैं उन एडजेक्टिव्स को प्लेस करता था साथ में, तो इस तरीके से निकल के आता था पूरा का पूरा कि एक लाइन को और अच्छे तरीके से मैं कैसे लिख सकता हूँ। ऐसे करके फर्निश होके लास्ट में वो जो रिपोर्ट बनती है वो बहुत ही मस्त बनती है। इवन आर्टिकल में भी ये चीज फॉलो होती है, स्पीचेस में भी यही, तुम देखते हो ना कोई कोई कि भाई इतना अच्छा से कैसे लिख रहा है, इतने अच्छे वर्ड्स कैसे हैं, शुरुआत में ऐसे नहीं होते हैं, पहले आप ऑर्डिनरी तरीके से लिखोगे और धीरे धीरे जब आप वर्ड्स को फाइंड आउट करोगे और इनको रिप्लेस करोगे ना तो होगा क्या, कुछ टाइम बाद वो वर्ड्स आपके खुद के एक्टिव वोकैबुलरी में आ जाएंगे, और जब डायरेक्टली आप लिखा करोगे तो वही वर्ड्स आपके माइंड में आने लग जाएंगे।
ये ग्रेजुअली होता है, ये एकदम से नहीं होता, ये एक स्लो प्रोसेस है। समझ में आया? सबको समझ में आ गई भाई मेरी बात? हैव यू गॉट द पॉइंट? चलो चलो, आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया। तो यार ये आज की मेरी वीडियो थी, मेरे को यही समझाना था कि तुम्हें क्या क्या करना है। इसमें बहुत सारी मैंने सजेशन दी हैं। अब करना क्या है, कोई एक रिपोर्ट आपको करके मुझे भेजनी है ग्रुप के अंदर, ठीक है, जल्द से जल्द भेजनी है। इसका लिंक मेरे ड्राइव में अभी 10-15 मिनट में सेव हो जाएगा। अगर किसी को रिव्यू चाहिए होगा, वीडियो का लिंक चाहिए होगा, तो मेरे को एक बार मैसेज कर देना, मैं लिंक जो है वो ड्रॉप कर दूंगा। क्या मैं लिख देता हूँ, पास नॉन एक्शन का रूल, पास नॉन एक्शन, पास नॉन एक्शन का रूल है सब्जेक्ट प्लस वॉस वर प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें वॉस सिंगुलर के साथ और वर प्लूरल के साथ आता है, लेकिन आई के साथ भी वॉस आता है, इस चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है, और वो वीडियो जरूर देख लेना साथ में, ठीक है। और अगर कोई भी स्टूडेंट यार उसको ऐसा लगता है कि मेरी ग्रामर जो है वो काफी ज्यादा वीक है और मुझे स्पेशली ग्रामर पे वर्क करना है, तो अभी देखो तुम उतना ज्यादा ग्रामर पे वर्क नहीं कर पाओगे। जितनी वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगा कंपोजिशन के हिसाब से, उसको देखो और अपनी ग्रामर पे वर्क करो। और अगर कोई फ्यूचर के लिए वर्क करना चाहता है, तो अगेन मैंने कल की क्लास में भी बताया था कि अप्रैल से, नेक्स्ट अप्रैल आपके एग्जाम्स के बाद, मान लो अप्रैल में अगर एग्जाम हुए, तो ऑब्वियसली मई से स्टार्ट हो करूंगा मैं, या जून से स्टार्ट करूंगा, डिपेंड्स ऑन योर एग्जाम की वो कब होंगे। उसके बाद में अपने ग्रामर के बैचेस स्टार्ट करने वाला हूँ, ग्रामर और स्पीकिंग और पब्लिक स्पीकिंग, ये तीन तरीके के बैचेस मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड है, जो हाईली इंटरेस्टेड है स्पीकिंग, ग्रामर या पब्लिक स्पीकिंग, इन सारी की सारी चीज़ों में, तो वो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और मेरे से सारी डिटेल्स ले सकते हैं। जो हमारे अर्ली रजिस्ट्रेशन होंगे, मैं आप लोगों को बता दूं, पिछली बार मैंने लगभग मान लो 700 स्टूडेंट्स को रजिस्टर किया था अपने कोर्स के अंदर, और उससे पिछली बार तो कुछ ज़्यादा को ही किया था, क्योंकि यूट्यूब पे मेरा जो चैनल था वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा था उस टाइम पे, तो पिछले साल उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा था, लेकिन इस साल मुझे पूरी वाइब आ रही है कि बहुत ज़्यादा और अच्छे तरीके से होगा। तो जितने भी हमारे 500 अर्ली रजिस्ट्रेशन होंगे उनकी फ़ी कम होगी, और 500 के बाद जो रजिस्ट्रेशन होंगे उनकी फ़ीस थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी। तो मुझे व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हाँ, मैं खुद पब्लिक स्पीकिंग करता हूँ, आई एम ऑल्सो अ गुड पब्लिक स्पीकर एंड आई हैव बीन वर्किंग हियर एट वाओ टॉक्स एज अ ट्रेनर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, तो चलो यार मिलेंगे अब अपनी अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए प्लीज अपना क्वेश्चन जो है वो परफॉर्म कर लेना, ठीक है। समझ में आ गया ना टॉपिक? चलो ठीक है, बाय, टेक केयर। हाँ, कुछ टॉपिक्स नहीं हुए एडवर्टीजमेंट के, वरना आपको मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड के अंदर भी हैं। अभी एडवर्टीजमेंट की प्रैक्टिस भी अलग से मैं करा रहा हूँ, ठीक है। अभी पिछली क्लास में कराई थी मैंने मिसिंग की और लॉस्ट की, ठीक है, तो मैं अभी फिर से और कराऊंगा। प्रैक्टिस में भी जॉब एडवर्टीजमेंट, प्रॉपर्टी एडवर्टीजमेंट, ये सारी कराऊंगा, बट जो रिकॉर्डेड वाले वीडियोज हैं, अगर आप बैच 1, 2, 3 या 4 में शायद मैंने भेज रखा है, तो वो आप कर लेना।